प्रयागराज में कैंसर से पीड़ित 10 साल के सचिन प्रजापति को जिले का मंडलायुक्त बनाया गया है। सचिन को 20 मिनट के लिए प्रभार दिया गया। सचिन को जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा थी। प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने सचिन प्रजापति को कमिश्नर बनाया। दरअसल ऐसा कर उन्होंने सचिन को कैंसर से लड़ने के लिए हौसला दिया। सचिन पिछले एक साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे सचिन की हौसला अफजाई करने और बीमारी से लड़ने की ताकत देने के लिए यह सराहनीय पहल कमिश्नर प्रयागराज की ओर से की गई। इस मौके पर कमिश्नर ने 20 मिनट के लिए सचिन को अपनी कुर्सी पर बैठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमिश्नर ने सचिन को उपहार भेंट किया और उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कमिश्नर ने सचिन के लिए पैंट शर्ट टी और जूते भी मंगवाए, जिसे पहनकर वह कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा। सर बैठे हैं। मैं अफसर बनने चाहते थे जिले का। तो आज बेटा कैसा लग रहा है इस कुर्सी पे बैठे हो? अच्छा लग रहा है। आज तो कमिश्नर बन गए, तो क्या करना चाहते हो पहला काम जिले के लिए? जिले के लिए ये काम करना, जितने लोग गरीब है, जितने लोग अनाथ है, सबकी सेवा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि मुझे सचिन की बीमारी के बारे में जानकारी मिली। जानकारी में पता चला कि सचिन कैंसर से पीड़ित है और उसकी इच्छा है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बने। सचिन की इच्छा पूर्ति के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छोटे मासूम सचिन की इच्छा के अनुसार उसे जिले का मंडलायुक्त बनाया गया। हमारे साथ अभी इस समय मास्टर सचिन हैं, तो मुझे ये बताया गया कि आप इस समय एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपकी एक इच्छा है कि आप यहाँ पर आएं और कमिश्नर की सीट पर बैठें। तो क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं और इसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया है, और मुझे बड़ा ये जान के अच्छा लगा कि आप में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप अभी बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे इन्होंने आपके सबके सामने कहा, मैंने हार नहीं मानी है, तो हमने यहाँ पर इनको सम्मानित भी किया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने स्वास्थ्य में जल्दी पूरा जूझ के और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझें और जल्दी ही अपने स्कूल को दोबारा ज्वाइन करें। सचिन प्रजापति प्रयागराज के यमुना पार के बारा क्षेत्र के धरा गांव का रहने वाला है। वह एक साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाले सचिन ने सितंबर 2023 में कैंसर से पीड़ित होने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था। सचिन का इलाज 11 जून 2024 से मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के कैंसर विभाग में किया जा रहा है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर देव कुमार यादव के निर्देशन में उसका इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार पांडे के मुताबिक सचिन कैंसर की रेब्रोमायासारकोमा नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है।